का तो श्री समृद्धि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए एक श्री समृद्धि क्लासेज की तरफ से उपहार के तौर पर कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया जा रहा है, विशेष कलेक्शन जो आपके परीक्षाओं में काम आएंगे। ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल की जो परीक्षाएं हैं या राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, जैसे रेलवे है, SSC है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए, सेना में सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? तो यहां चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, काशी, कौशल, मगध और अवंती। इन महाजनपदों में से सबसे पहले किस में सेना में सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल किया गया? चलिए बताइए आपकी तरफ से आंसर क्या होगा। जी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ बोल रहे हैं डी। तो इसका सही आंसर होगा कौशल। कौशल में सबसे पहले सेना में हाथियों के इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, तंजोर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तंजोर जो कि तमिलनाडु में है, उसका राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है आपके चंदेल, चोल, पल्लव और सातवाहन। इसका सही आंसर होगा चोल साम्राज्य के जो चोल शासक थे, उन्होंने तंजोर का राज राजेश्वर मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रैबो, एरियन, प्लीनी और टोलमी। ये चारों विदेशी यानी रोम विद्वान हैं, जिनमें से किसी एक ने रोम से सोने के आयात पर दुख प्रकट किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही आंसर होगा प्लीनी। प्लीनी ऐसे विद्वान थे जिन्होंने रोम से आयातित सोने पर दुख प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है? कुछ खाद्यान्न फसलें ऑप्शन में दी गई हैं जिनका संबंध इस ब्रीहि शब्द से है। तो कौन सी फसल है जिसका अर्थ होता है ब्रीहि? ब्रीहि का अर्थ कौन सी फसल है? देखिए, गेहूं, जौ, चावल और चना। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कोई जौ बता रहा है, कोई चावल बता रहा है, कोई चना। जी, वेरी गुड। जो इसमें ऑप्शन सी चावल को सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही हैं। वैदिक साहित्य में ब्रीहि शब्द का प्रयोग चावल खाद्यान्न फसल के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाम की व्यवस्था बदली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए बलबन, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? इसमें सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है?
मुगल सम्राट, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सही आंसर देंगे इसका। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से निर्माताओं का राजकुमार यानी निर्माण कार्य किसने अधिक करवाया, उसी के आधार पर इसका आंसर सही हो सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं, इसीलिए इन्हें निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में प्रवर्तित करने वाले करने का श्रेय किसे है, यानी कौन से सिख सेनानायक हैं जिनको लड़ाकू समुदाय में प्रवर्तित करने का श्रेय है। इसका आंसर मैं आशा करता हूं आप सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने एक पंक्ति भी कही थी कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम धरावा। तो ये ऐसी जो सिख समुदाय था उसको सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था, ऑप्शन ए उलग खां, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी खिजर खां, ऑप्शन डी गांधी मलिक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ दोस्त कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ बी बता रहे हैं। तो इसमें बी को टिक करने वाले सभी साथी सही हैं। मलिक काफूर जो कि दक्षिण विजय का कार्य इन्हें सौंपा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए शंकराचार्य को, ऑप्शन बी निंबकाचार्य को, ऑप्शन सी रामानुज को, ऑप्शन डी माध्वाचार्य। तो इसका सही आंसर है रामानुज। देखिए हम अगर भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ और दक्षिण भारत में रामानुज द्वारा किया गया था, जबकि उत्तर भारत में हम बात करते हैं तो रामानंद जो थे वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी मुल्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जौनपुर। जो साथी सी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। पूर्व का सिराज भारत के जौनपुर शहर जो कि यूपी में है, बहुत ही सुंदर शहर है, इसकी सुंदरता के कारण ही इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने मराठों के राजनीतिक महत्व को सबसे पहले समझा और उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, ऑप्शन आपके सामने है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के द्वारा मराठों के राजनीतिक महत्व को समझते हुए उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था, यानी ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, ऑप्शन आपके सामने है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
औरंगजेब। इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक भी था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो मनसबदारों की संख्या थी वो सर्वाधिक इसी के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलरुखी उपनाम से कौन सा सुल्तान काव्य रचना करता था? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और बाज बहादुर। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो अपनी काव्य रचनाएं करता था वो गुलरुखी उपनाम से करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही प्रभावित नहीं करता, यह पशुओं तक को मंत्रमुग्ध कर देता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आमिर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इबन बतूता, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसका सही आंसर है आमिर खुसरो। आपको ज्ञात होगा कि आमिर खुसरो को संगीत से बहुत प्रेम था और इसने 7 शासकों का शासनकाल में अपना योगदान दिया था, इसलिए संगीत के संबंध में आमिर खुसरो ने कहा है कि भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही नहीं प्रभावित करता, यह पशुओं तक को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेंजली के साथ सहायक संधि की? ऑप्शन आपके सामने है, अवध के नवाब ने, हैदराबाद के निजाम ने, कर्नाटक के नवाब ने, रंधोवा मराठा ने। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम में दांडी मार्च के समय किस विदेशी पत्रकार को ठहराया? ऑप्शन आपके सामने है, रिचर्ड ग्रेग, रिचर्ड मिलर, वेब मिलर, लुई फिशर। 1916 में स्थापित किया गया था साबरमती आश्रम, गुजरात में है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, उसी समय एक विदेशी पत्रकार थे जिनको यहाँ ठहराया गया था। जी कुछ लोग डी ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं, कुछ ए। इसमें सही आंसर है सी, वेब मिलर। वेब मिलर वो पत्रकार थे जिन्होंने दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम में ठहरने का मौका मिला था। नेक्स्ट देखिए, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शन आपके सामने है, हमीर खां, मीर अल्लाह, मीर मोहम्मद शाह, मीर जुबेर खां। इसका सही आंसर होगा मीर मोहम्मद शाह। हमीर के विद्रोही सेनापति, ओ अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति थे मीर मोहम्मद शाह, जिसको हमीर ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही आंसर है जयपुर। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुमित सरकार, ऑप्शन बी गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन सी जेम्स टोड, ऑप्शन डी
रीमाहुजा। वेरी गुड, बहुत से दोस्तों का जवाब आ रहा है डी, और इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी ही है, रीमा हुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, जी एच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन बी गोपीनाथ, ऑप्शन सी दशरथ शर्मा, ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण। इसका सही जवाब है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्नल टोड ने किस शासक को सिपाही का अंश कहा है? यानी उसकी वीरता के लिए कर्नल टोड ने सिपाही का अंश कहा है। ऑप्शन है आपके सामने, महाराणा कुंभा, दुर्गादास, राणा प्रताप, राणा सांगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राणा सांगा। राणा सांगा को कर्नल टोड ने सिपाही का अंश कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल प्रभाव के विरुद्ध महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित सामंत व भील दल का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, राम साहब, यहाँ ये पूंजा है, ऑप्शन बी में पूंजा, सी ताराचंद, डी लोहो सिंह। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? ऑप्शन आपके सामने है, हाकिम खां, महावत खां, मेहतर खां और जगत सिंह। जब हल्दीघाटी का युद्ध चल रहा था, उस समय जब मेवाड़ सेना मुगल सेना पर हावी हो रही थी, उस समय किसी के द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई कि खुद सम्राट अकबर सेना लेकर युद्ध में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहतर खान। मेहतर खान ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आहला उद्दल किस शासक के सेनानायक थे? ऑप्शन है आपके सामने, जयचंद्र, मालदेव, परमार्दिदेव, भीमदेव। आहला उद्दल जो कि बहुत महान वीर हुए हैं, वो किस शासक के सेनानायक थे? इसका सही आंसर है परमार्दी देव। परमार्दी देव के सेनानायक थे आला और उद्दल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर में हम्मीर के विरुद्ध किस मुगल सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? रणथंभौर में हम्मीर के विरुद्ध किस मुगल सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन नुसरत खां, खिज्र खां, उलग खां, कामरू। रणथंभौर की युद्ध की बात करें हम, तो रणथंभौर युद्ध में नुसरत खां और उलुग खां दो सेनानायक थे प्रमुख, जिसमें से नुसरत खां ने हमीर के विरुद्ध रणथंभौर युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था और ये इस युद्ध में मारे भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सर्वप्रथम किस सभ्यता में लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, धोलावीरा, रोपड़
और लोथल, इन चारों में से देखिए कौन सा सही है। किस सभ्यता में लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुछ दोस्त ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं, कुछ बी को, कुछ ए को। जो ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नाली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1813 में अधीनस्थ पृथक्करण की संधि के तहत राजस्थानी रियासतों की संधि हेतु लॉर्ड हेस्टिंग ने किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, कर्नल ईडन, पैट्रिक लॉरेंस, डलहौजी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस दुर्ग की प्राचीर को कहा जाता है? ऑप्शन है लोहागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और रणथंबोर। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है उसको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुंगी तीर्थ मेले का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, जैसलमेर। इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुधिर दाब मापक यंत्र है, ऑप्शन आपके सामने है ओटोमीटर, स्फेनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्पीडो मैनोमीटर। रुधिर दाब मापक यंत्र है। इसका सही आंसर है स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन सी रुधिर दापक दाब मापक यंत्र यानी स्फिग्मो मैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? पौधों द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? ऑप्शन है CO2, ग्लूकोज, क्लोरोफिल और जल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। H2O यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति है जल में, इसलिए जल की प्राप्ति प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ऑक्सीजन की प्राप्ति प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, ऑप्शन आपके सामने है टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग है? ऑप्शन आंत, आमाशय, अग्नाशय, यकृत। इसका सही आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी जो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है हक्सले, डार्विन,
लैमार्क, उगोडी ब्रिज। इसका सही आंसर है हुगोडी ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, ऑप्शन आपके सामने है, अधिक मदिरापान, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, वाई गुणसूत्रों की वंशागति, विटामिन ई की कमी। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण क्या है? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति के कारण वर्णांधता का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्निया, कंजक्टिवा, सिलियापिंड, आयरिस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? इसका सही आंसर है सिलियापिंड। नेक्स्ट देखिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बैंगनी, लाल, हरा, नीला। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल। लाल रंग इंद्रधनुष में अधिक विक्षेपित रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी सीसा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि, नाग। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सही आंसर होगा अप्सरा, जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1956 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन आपके सामने है, किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलकीकरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किण्वन। एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, वालेस,
लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन आपके सामने है, टाइफाइड, टीवी, हैजा, हेपेटाइटिस। विषाणु जनित रोग कौन सा है? इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बैक्टीरिया, CO2, HNO3, NH3। नाइट्रोजन चक्र में शामिल नहीं है। तो यहां नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो इसका सही आंसर होगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर सेंटर कहाँ खोला गया है? ऑप्शन कोटा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बारा। इसका सही आंसर है कोटा। कोटा के कैथोन में ये प्रथम केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, CBRN न्यूक्लियर सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का वह युद्धाभ्यास जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 23 मई 2018 को संपन्न हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, ऑपरेशन स्वयं शंभू, ऑप्शन बी बुल फाइट, विजय रथ और गांधी विजय। 23 मई 2018 को संपन्न भारतीय सेना का वह युद्धाभ्यास जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। इसका सही आंसर है गांधी विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सेवा नियम के तहत महिला राज्य कर्मचारी को कितने दिन चाइल्ड केयर लीव दिया गया है? यानी कितने दिन का बच्चे की पालन पोषण के लिए छुट्टी दी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, 730, 610, 320, 225। इसका सही आंसर है 730 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भामाशाह योजना का सर्वप्रथम शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। राजस्थान में भामाशाह योजना का सर्वप्रथम शुभारंभ कब किया गया? कुछ दोस्त बता रहे हैं 2014, कुछ बता रहे हैं 2008। वेरी गुड दोस्तों, जो 2008 को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसका सही आंसर है 2008। 2008 में ये योजना सर्वप्रथम शुरू की गई थी, फिर 2014 में इसको पुनर्गठित करके पुनः इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, 50,000, 40,000, 75,000, 60,000। इसका सही आंसर है 50,000। दोस्तों ये था आज की क्लास का कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन जो आप देख चुके हैं, और इनका लिंक हमने YouTube चैनल के माध्यम से PDF फाइल के रूप में भी भेज दिया गया है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है
उनके पास, या जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस चीज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे देखते रहिए। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं और ऐसे ही आपको आगे सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।